आंखें खोलो इंडिया और वक्त है सुबह की सबसे दर्दनाक खबर का। पश्चिम बंगाल के दो जिले कोलकाता और बहरामपुर में मासूमों की मौत से लोगों में दहशत है। लोगों में मौत से इस कदर घबरा गए हैं कि लोग राज्य के अस्पतालों में जाने से डर रहे हैं। राज्य में 15 मासूमों की मौत से लोग अस्पताल को कब्रगाह मान रहे हैं। वहीं राज्य सरकार का कहना है कि राज्य में हाल के दिनों में शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। ऐसे में राज्य में मासूमों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? ये दर्दनाक मंजर है पश्चिम बंगाल के दो अस्पतालों का। पहली तस्वीर है कोलकाता के बीसी राय शिशु अस्पताल की। यहाँ मासूमों की मौत से गुस्साए लोगों ने अस्पताल में प्रदर्शन किया और सड़क को जाम कर दिया। वहीं दूसरी तस्वीर है मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर अस्पताल की। यहाँ आलम यह है कि बच्चों के इलाज के लिए बिस्तर तक नहीं है। एक एक बेड पर 2 से लेकर 3 बच्चों का इलाज चल रहा है। दरअसल कोलकाता और बहरामपुर में 15 बच्चों की मौत से खलबली मची हुई है। कोलकाता के बीसी राय अस्पताल में शनिवार से अब तक 5 बच्चों की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में डॉक्टर और नर्स का बर्ताव ठीक नहीं है, जिससे इलाज में लापरवाही बरती जा रही है, लिहाजा बच्चों की मौत हो रही है। वहीं बहरामपुर में शुक्रवार से अब तक 10 मासूमों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। अस्पताल की तस्वीर बड़ी ही भयावह है। सांस की तकलीफ से पीड़ित इन बच्चों को ऑक्सीजन चढ़ाया जा रहा है, लेकिन अस्पताल में बेड न होने की वजह से एक बेड पर 2 से 3 बच्चे को रखा गया है, जिससे संक्रमण का खतरा है, लेकिन अस्पताल प्रशासन इस मामले में अपने आप को लाचार बता रहा है। পরিবেশ আছে, যে পরিস্থিতি আছে তার উপরে ভিত্তি করে আমরা চিকিৎসা করছি। এর থেকে ভালো ব্যবস্থা নতুন করে বিল্ডিং না করলে আর ভালো ব্যবস্থা করা কখনোই সম্ভব নয়।